हम सभी को इंडियन नाश्ता स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, तो आज हम गेहूं के आटे से एक टेस्टी नाश्ता रेसिपी बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज आप जरूर देख पाएं। इस हेल्दी नाश्ता रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। तो आज की नाश्ता रेसिपी के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल रहे हैं 3/4 कप गेहूं का आटा। इसमें डालें बारीक काटा हुआ 1 मीडियम साइज प्याज, कद्दूकस की हुई 1 गाजर, बारीक काटी हुई 1/2 शिमला मिर्च, बारीक काटा हुआ 2 चम्मच हरा प्याज, 1/2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। मसालों में हमने लिया है 1/3 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/3 चम्मच किचन किंग पाउडर डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं, आमचूर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अगर किचन किंग मसाला ना हो तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। सब्जियों में मौजूद मॉइस्चर को आटा बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन आटा सही से गूंदने के लिए हमें थोड़ा पानी का छींटा देने की जरूरत पड़ेगी। आटा बहुत अच्छे से गूंद कर तैयार है, अब इससे हम नाश्ते के शेप्स बनाएंगे। अब हाथों पर थोड़ा तेल लगा लें और थोड़ा मिक्सचर हाथों में ले और इसका गोल पेड़ा बना लें। आटे ने सभी सब्जियों को बहुत अच्छे से बाइंड कर लिया है। इस आटे के पेड़े को हम सेंटर में से इस तरह दबाकर इसमें छेद कर देंगे, ताकि इसे पकाते वक्त ये बीच में से कच्चा न रह जाए। अब ये पकाने के लिए तैयार है। इसी तरह हम सारे मिक्सचर को इस शेप का बना लेंगे। तैयार मिक्सचर के 8 से 9 पीसेस बनकर तैयार होंगे। इस नाश्ते को हेल्दी रखने के लिए इसे हम स्टीम पर पकाएंगे, जिसके लिए एक गर्म कढ़ाई में थोड़ा पानी डालें। इसके ऊपर हम स्टील की छन्नी रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम तैयार नाश्ते के पीसेस इस तरह से रख लेंगे। अगर आपके पास इडली बनाने वाला सांचा हो तो आप इसे उसमें भी बना सकते हैं। इसे कम समय में पकाने के लिए हम छन्नी की हर तरफ गूंधे हुए आटे की लेयर इस तरह से लगा देंगे, ताकि स्टीम अंदर लॉक हो सके। अब इसे हम ढककर पकाएंगे, ताकि इन्हें पकाने के लिए स्टीम हर तरफ बराबर फैले। तकरीबन 5 मिनट एक तरफ से पकाने पर अब हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। यहाँ पर आप इनके कलर में चेंज नोटिस कर सकते हैं। ये पककर थोड़े सॉलिड हो गए हैं, इसलिए इन्हें पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इन्हें और 5 मिनट के लिए ढककर इस तरफ से भी पका लेंगे। कुल 10 मिनट पकाने पर ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। आप इनके कलर में भी डिफरेंस देख सकते हैं। और अब हम इनमें सॉस भरेंगे। यहाँ हमने ली है 4 चम्मच मायनीज और 4 चम्मच टोमेटो केचप, जिन्हें हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो एगलेस मायनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसे 100% हेल्दी बनाना चाहें तो इन सॉस की जगह पुदीने की हरी चटनी भी डाल सकते हैं। इस तैयार की हुई सॉस को हम एक पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं। नाश्ता पीसेस को हम छन्नी में से निकाल लेंगे और इनमें इस तरह से सॉस भर लेंगे। अगर पाइपिंग बैग ना हो तो आप चम्मच से भी बड़ी आसानी से भर सकते हैं।
ये मजेदार, टेस्टी और क्रीमी स्नैक्स सर्व करने के लिए तैयार है। मैं मोमोज की जगह ये खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर पसंद आई हो तो नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं। ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।